Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. तो यही हो रहा है गणेश, अब तो निशुंभ ही बनेगा नया असुर सम्राट। अब क्या करेगा ये दुष्ट? देखने का प्रयास कर रहा हूं किंतु ये ऐसे वार कर रहा है जिससे दृष्टि बाधित हो गई हमारी। अरे ये तो सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। हाँ। वो देखो, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है। इन दोनों को कदापि विजयी नहीं होने देंगे हम। शुंभ निशुंभ से पार पाना कठिन नहीं, संभव है। ये चारों मिलकर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। दूसरी ओर से इन रक्तबीज असुरों से भी घिरा हुआ हूं मैं। शुंभ भी वापस जा रहे हैं, अब ऐसी परिस्थिति में अधिपति बनेगा कौन? ए निशुंभ, अब क्या करोगे तुम? हमारा सामना करने के लिए तो हाथ भी नहीं है तुम्हारे पास। समय आ गया शुंभ, अब और कोई विकल्प नहीं। अब क्या करने जा रहे हैं ये दोनों? अब क्या करेंगे शुंभ और निशुंभ? क्या अपनी पराजय स्वीकार करेंगे? अभी शुंभ का अंत तो निश्चित प्रतीत हो रहा है, ये असुर अथवा उनके शस्त्र इसका वध अवश्य करेंगे। दिखाओ इन्हें अपनी शक्ति। अब क्या करेंगे शुंभ? स्वयं को रक्षित कैसे कर पाएंगे? वो तो शिथिल पड़ते जा रहे हैं और असुरों ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। या।
उन्होंने तो अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग कर अपने सभी शत्रुओं को जड़ कर दिया। गणेश, अब तो ये शक्ति हमारी ओर ही आ रही है। यदि हमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम भी स्तंभित हो जाएंगे। चिंतित मत हो ये भैया, माता बगलामुखी ऐसी देवी है जो इन शक्तियों की काट है। अब मैं उन्हीं का स्मरण करने जा रहा हूँ। इस शक्ति से वही हमारी सहायता करेंगी। सुधा थी मणि मंडप रत्न वेद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णां पीतांबराभरण माल्य विभूति शतांगी देवी स्मरामि कृत मुक्तर वैरि जिह्वां। इस निरोता में यह मंत्रोच्चारण मेरा संशय कारण नहीं है। अवश्य यहाँ कोई दिव्य शक्ति उपस्थित है, किंतु स्तंभित मैं मुड़कर देखूं कैसे? बहुत अच्छे गणेश, तुम्हारी चतुराई और कुशाग्र बुद्धि ने हमें इस संकट से रक्षित कर लिया। किंतु भैया, इस असुर ने तो सभी को जड़ कर दिया। हाँ गणेश, किंतु तुमने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उचित समय पर मंत्रोच्चारण कर इन तरंगों को हम तक पहुँचने से रोक दे। भैया, शुंभ के पास स्तंभन की वही शक्ति है जिसका संसार में आविर्भाव माता बगलामुखी के द्वारा हुआ। उच्चाटन, उच्चाटन, उच्चाटन। इसने अपनी स्तंभन शक्ति से सभी असुरों के साथ असुर गुरु शुक्राचार्य को भी स्तंभित कर दिया है। हाँ गणेश, शुंभ और निशुंभ तो अत्यंत शक्तिशाली हैं। विलक्षण युद्ध कौशल है दोनों का। साथ ही शुंभ के पास स्तंभन की शक्ति भी है। हमें इसी क्षण लौटकर देवताओं को शुंभ और निशुंभ के बारे में सूचित करना चाहिए। जो आज हमने यहाँ देखा वो सब हमें उन्हें बताना चाहिए। हाँ भैया, ज्ञात नहीं अब शुंभ और क्या करेगा। किंतु जब तक ये सभी शुंभ की शक्ति से प्रभावित और जड़ है, हमारे पास यहाँ से निकलने का उचित अवसर है। चलिए भैया। आओ गणेश। हाँ भैया। मुझे क्षमा करना भ्राता निशुंभ, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। ये शुंभ तो मुकुट की तरफ बढ़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में तो शुंभ असुर के महानायक बनने वाली स्पर्धा में विजयी हो जाएगा। असुर गुरु, असुरों का नवीन महानायक शुंभ आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखा गुरुदेव, शुंभ की शक्ति का परिणाम। इतना भयंकर दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा गणेश। मेरा आभास और प्रबल हो रहा है, कोई तो अवश्य है यहाँ। असुर गुरु शुक्राचार्य, देखा आपने, क्या कर सकता हूं मैं, कितना सामर्थ्य है मेरा। ओ, आप कुछ कहेंगे कैसे असुर गुरु? आपको स्तंभित जो कर दिया मैंने। आ!
चलो गणेश, अब हमें शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए। हमें शीघ्रता करनी होगी गणेश। हाँ भैया, ये सब स्तंभन से बाहर आ गए हैं। अब यदि इनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। चलिए भैया। ये धूमरेखा के समान कुछ दिखाई तो दिया मुझे, क्या था वो? कौन था वह? वहां मुकुट के निकट देखता हूं, कदाचित कोई संकेत प्राप्त हो मुझे। यहां तो कोई भी नहीं, किंतु ये कैसे संभव है? मैंने किसी के स्वर को श्रवण अवश्य किया था। असुर गुरु शुक्राचार्य, कितना परिश्रम किया मैंने, अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया मैंने, यहां उपस्थित सभी को स्तंभित कर दिया मैंने, यहां तक कि मैंने आपको भी नहीं छोड़ा मैंने, परंतु आपके मुख से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं फूटा। मेरा आभास भ्रम नहीं हो सकता, किंतु इस रहस्य को ज्ञात करने का नहीं, असुरों के नवीन महानायक के स्वागत का समय है ये। असुर गुरु, मैं यहां किसी का वध करने नहीं, अपितु मात्र अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, यही मेरा उद्देश्य था। शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया शुंभ ने, और सभी को पराजित भी कर दिया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा है शुंभ। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय। 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 ये तो महानायक बन गया, अब तो कोई विकल्प भी शेष नहीं है, किंतु अब ये करने क्या वाला है? चंड मुंड रक्तबीज धूम्रलोचन, तुम सभी मेरे शत्रु नहीं, मेरे असुर भ्राता हो। ये है वो शब्द जो मैं सुनना चाहता था। ऐसे ही होने चाहिए महानायक के विचार। महानायक उसे होना चाहिए जो अपने समुदाय को अपना परिवार समझे। अब यह स्पर्धा समाप्त हुई, असुरों का नवीन महानायक हमारे समक्ष है। शंभ 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 महानायक शंभ की जय। महानायक शुंभ की जय। महानायक शुंभ की जय। असुर महाराज शुंभ की जय। असुर महाराज शुंभ की जय। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय। प्रत्यक्ष खड़े हैं मूषक जी, तो अब हमारे लिए अपनी चिंता त्याग दीजिए। जी प्रभु। मैं इस सबसे सृष्टि को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ गणेश। किंतु चिंता तो है भैया, जो आज हमने भीतर देखा वो तो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। हाँ गणेश,
ये महासंकट कभी भी स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सकता है। जब मैंने इस स्पर्धा के आरंभ की घोषणा की थी तो उसके पीछे एक ही विचार था, एक शक्तिशाली सक्षम कुशल और गुणी असुर महानायक का चयन। किंतु मुझे ज्ञान था इसमें भी कुछ असुरों को क्षति अवश्य पहुंचेगी, किंतु इसका भी समाधान है मेरे पास। जिन वीर असुरों ने अपनी क्षमता प्रमाणित करनी हेतु अपने प्राण गंवाए हैं उन्हें मैं मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित करूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य की जय। 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 असुर महानायक सेना रहित रहकर कुछ भी कर पाने में अक्षम होंगे। इन वीर असुरों ने वहां पहुंचने की आकांक्षा में अपने प्राण गंवाए हैं, जहां तुम खड़े हो महानायक शुंभ। तुम इन सब का नेतृत्व करोगे। मैं शुंभ आप सभी असुरों का मेरे प्रति स्नेह और आदर स्वीकार करता हूं। मुझे महानायक शुंभ को आप जैसे वीर असुरों के सहयोग की अपेक्षा है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। असुर श्रेष्ठ शुंभ की जय। 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 असुर श्रेष्ठ शुंभ की प्रतीत होता है असुर गुरु शुक्राचार्य ने शुंभ को असुरों का महानायक नियुक्त कर ही दिया। हाँ भैया, हमारे पास अधिक समय नहीं है। चलिए भैया, हमें शीघ्र लौटना है, शीघ्रता कीजिए। प्रणाम पिताश्री। गणेश जी, तो ये भयंकर असुर शुंभ अब असुरों का नवीन महानायक नियुक्त हुआ है। हाँ ऋषिवर, भैया और मैं शुंभ और निशुंभ की अपार शक्ति और युद्ध कौशल के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ये कैसी अस्पष्ट छवि है। बलवान तो वो है ही, और साथ में उनमें असुरों का नेतृत्व संभालने के गुण भी है। ये कैसा दृश्य है जो मैं देख रहा हूँ। क्या हुआ गणेश, अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसा क्या देख लिया तुमने जिससे तुम्हारे मुख पर ये चिंता का भाव उभर आया है। भैया, देवासुर संग्राम होता हुआ दिखाई दिया मुझे। कदाचित निकट भविष्य में देवताओं और असुरों के मध्य पुनः भीषण युद्ध होने वाला है। तब तो हमें भी तत्पर रहना चाहिए गणेश। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल इतना ही ज्ञात होना पर्याप्त नहीं है कि उसकी अभी की क्षमता क्या है, अपितु यह भी ज्ञात होना अति आवश्यक है कि उसका भूतकाल कैसा था
वो किस प्रयोजन से प्रेरित है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि उसकी दुर्बलता क्या है। किंतु गणेश, शुंभ और निशुंभ के विषय में तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। किंतु मुझे ज्ञात है भैया, शुंभ निशुंभ कौन है और उनके संपूर्ण जीवन से मैं भली भांति परिचित हूँ। किंतु कैसे गणेश? माता महाकाली की कृपा से, उनके द्वारा प्रदान की गई शक्ति से मुझे आपके इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात है भैया। तो बताओ गणेश, ये शुंभ और निशुंभ हैं कौन? छल की शक्ति से प्राप्त पद कभी भी फलीभूत नहीं होते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.